वालेकुम, हम हैं फूड क्वालिटी मेकर की तरफ से और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं घेवर मिठाई की रेसिपी। आप लोगों ने जो है माशाल्लाह से जो है हमारे जो भलाई खाजा है उसकी बहुत अच्छी रेटिंग्स दी हैं। अब हम लोग आपके लिए दूसरी मिठाई की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत फेमस है। हम पाकिस्तान हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन थोड़ी महंगी मिलती है। आप लोग घर में इससे ज़्यादा अच्छी से ज़्यादा मज़े की बना सकते हैं। देखने में जो है घेवर बहुत ही मुश्किल लगती है। इंडिया में पाकिस्तान में इस मिठाई ने धूम मचाई हुई है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहले हमने लिया था 1 कप मैदा, ये हमने पिस्ताचियो और साथ साथ में हमने लिया थे एलमर्स, उसको हमने इस तरह से काट लिया था, आप देख सकते हैं। और हमने लिया था घी। इसके अलावा हम लोग लेंगे शक्कर। शक्कर जो है हमने दानेदार ली थी, हमने मोटी शक्कर ली थी, हमने जो है पिसी हुई शक्कर नहीं ली थी। ये आप देख सकते हैं हमने शक्कर ले ली। हम लोग आपको इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी साथ साथ बताते जाएंगे, आप लोग हमारे साथ ही हम देखते जाएं कि हम लोग कैसे बना रहे हैं। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, देखने में इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये झटपट 2 मिनट बन जाती है। इसके हम चाहिए होगा बेसन, शक्कर, मैदा, ये हमने लिया था बेसन, ये हमने लिया था घी, ये हमने ली थी शक्कर, ये हमारा पानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ये हमने लिया था 1 कप मैदा। अगर आप लोगों को ये समझ ना आए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे। और ये हमने लिया था दूध, ये जो है दूध जो है हमारा ठंडा दूध है, ना ही गर्म है और ना ही जो नॉर्मल टेम्परेचर का ठंडा। हमने जो है चिल्ड हमने मिल्क ले लिया था और चिल्ड जो है हम लोग पानी ले लेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम लोग बेसन वगैरह जो आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम लोग शीरा बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने पहले लिया था 1/2 कप वाटर, ये हमने 1/2 कप पानी लिया था। अब हम लोग लेंगे इसमें 1 कप शक्कर डालेंगे हम लोग इसमें, ये पिसी हुई शक्कर नहीं है, ये साबुत शक्कर हमने ली थी, आप देख सकते हैं। अब जो है हम लोग इसका एक तार का शीरा तैयार करेंगे, तो आप देख सकते हैं ऐसे जो है हम लोग अपना एक तार का शीरा तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग हमारा शीरा तैयार हो चुका है, इसमें तार भी आ रहा है। हमारा चमचा जो है देख सकते हैं आप लोग इस तरह से जो है इसमें तार आ रहा है। आप लोगों को भी शीरे में इस तरह से तार आना चाहिए, इसका मतलब जो है आपका शीरा एक तार का थिक शीरा तैयार हो गया है। हम लोग उंगली पे भी चेक कर सकते हैं आराम से, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है हमारा शीरा तैयार हो चुका है। अब हम लोग अपने जाएंगे घेवर के प्रोसेस की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है तार बनना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब जो हमारा शीरा तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब जो है हम लोग इसका बड़ा बनना स्टार्ट करेंगे, तो हमने इसमें घी डाल दिया है। अब हम लोग उसमें आइसक्रीम डालेंगे, 4 टेबल स्पून में हमने घी लिया था। अब हम लोग उसमें आइसक्रीम ऐड कर देंगे, क्या वो देख सकते हैं हमने जो इसमें आइसक्रीम ऐड कर दिए। अब जो हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, क्या वो देख सकते हैं इसको इतना ही बीट करेंगे हम लोग कि ये जो है वाइट हो जाए। तो अब जो हम लोग उसमें 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क डाल देंगे, यानी हम लोग दूध डालेंगे। दूध जो हमने एकदम चिल्ड ले लिया था, अब जो हम लोग इसे दोबारा बीट करेंगे। तो देख सकते हैं हमने जैसे इतना मिक्स किया था कि पूरा सफ़ेद हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब जो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे, फिर जो है हम लोग इसे बीट करेंगे, हम लोग जो है मैदा सारे साथ नहीं डालेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से जो है हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम लोग जो है इसमें 1/2 कप चिल्ड वाटर ऐड करेंगे, तो देख सकते हैं कितना जो है हमारा स्मूथेस्ट पैदा तैयार हुआ है। अब जो हम लोग इसमें 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। इस पर तो खास कर लेखे इसमें जो है 1/2 कप हमने चिल्ड वाटर ऐड करिएगा, आप लोग नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर ऐड नहीं करिएगा। अब जो हम लोग इसमें 1/2 कप पानी और डालेंगे। हम जो हमने इसमें बेसन ऐड किया है, बेसन की मिकदार जो हमने ली थी वो हमने थी 1 टेबल स्पून, दोबारा से बीट करेंगे। ये जो हमने इसमें 1/2 कप पानी और डाल दी। तो अब जो हम लोग इसमें नीम का रस ऐड करेंगे, नीम का रस की मिकदार जो हमने थी वो हमने थी 1 टेबल स्पून, तब जिससे 1 टेबल स्पून हमने नीम का रस ऐड कर दिया इसमें। अब जो हम लोग इसे अच्छे से दोबारा फेंट लेंगे, देख सकते हैं आप लोग ये बहुत ही मज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो ये है, आप देख सकते हैं आप लोग की भी ये कंसिस्टेंसी यही होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा फ्लो होनी चाहिए और ना इससे ज़्यादा थिक होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमने अपना घी या फिर ऑयल आप जो चाहे ले लें, लेकिन घी में इसका बड़ा मज़े का जो टेस्ट आता है। तो जो है आप लोग पता खास कर रखें कि आप लोग घी इतना गर्म होना चाहिए कि जो है आप लोग डालें और फौरन से जो है इसकी लेयर बन जाए। हम लोग जो है पहले थोड़ा सा डालेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं आप लोग इसमें कितनी सेटिस्फाइंग आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये आप देख सकते हैं पहले जो हम लोग इसकी लेयर आने देंगे, इसके बाद जो है इसकी लेयर आना शुरू स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब जो हम लोग इसके बीच में थोड़ा सा डालना स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे इसमें। ये पता खास कर रखें कि आप लोग जो है पतली था में थोड़ा ऊंचाई से डालना है इसको, कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो बनना स्टार्ट हो चुका है इसकी। अब जब आवाज़ आना बंद हो जाए तब आप लोग इसके अंदर डालें, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड्स पर हम लोग डालेंगे ताकि इसका साइड्स कवर कर लें।
पहले जो हम लोग इसके अंदर होल कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो हम लोग इसके अंदर होल करेंगे। जब इसको होल करने के बाद हम लोग जो है इसके अंदर होल के अंदर डालेंगे, या आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं इस तरह से करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से जो है हम लोग डाल देंगे इसके अंदर होल के अंदर। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। क्या आप देख सकते हैं हम लोग जो है थोड़ा साइड पे भी डाल देंगे इसमें, आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हम लोग साइड पे करके डाल देंगे इसको। इस तरह से हम लोग इसके साइड से कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे घेवर कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कितने जो है प्यारे इस पर लेयर्स आई हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमने इसको जाली पे रख दिया ताकि इसका जितने बकिया तेल है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं ये जो है हमारे घेवर तैयार हो चुके हैं, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे, कितने जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी की। तो आप देख सकते हैं कितने क्रंची हैं, कितने जो अच्छे अच्छे रेशे आए हुए हैं इसमें। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग इधर बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब जो हम लोग इसकी गार्निशिंग करना है स्टार्ट करेंगे। तो एक जगह जो हमारा शीरा तैयार हो चुका था, अब हम लोग इसमें शीरा ऐड करेंगे। क्या आप देख सकते हैं इस तरह जो हम लोग इसमें शीरा ऐड कर देंगे। इतने मज़े का बनता है कि आप लोग इसे एक दफ़ा खाएंगे और बार बार बनाएंगे। हम लोग आपके साथ बहुत सारी मिठाई की रेसिपी शेयर करेंगे, जैसे घेवर हमने पहले आपके साथ बलाई खाजा शेयर की थी। आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, आपके अच्छे अच्छे कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। और तो हम लोग आपको और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे। तो क्या वो देख सकते हैं ऐसा जो हम लोग उसके ऊपर सारा शीरा डाल देंगे, चाशनी डाल देंगे हम लोग इसके ऊपर। देख सकते हैं आप लोग कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप लोग हमारे घेवर बलाई खाजा और साथ साथ हम लोग आपको बालूशाही की रेसिपी देने वाले हैं, तो उसके लिए भी कमिंग सून हमारी बालूशाही की रेसिपी है। तो उसकी रेटिंग आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, इसकी भी रेटिंग दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं ये हमने उसके ऊपर शीरा डाल दिया, ये जो है हमने इसके अंदर सारी रबड़ी लगा ली थी। अब हम लोग इसके ऊपर बादाम पिस्ते लगा देंगे। हमने जिसके ऊपर रबड़ी लगा ली थी, अब हम लोग इसके बादाम और पिस्ता की गार्निशिंग करें, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग इसके ऊपर चांदी का मर्क लगाएंगे। ये गार्निशिंग ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो ना लगाएं। या आप देख सकते हैं कितनी जो खूबसूरत लग रही है हमारी। तो ये जो है हम लोग घेवर के ऊपर हम लोग जो है चांदी का मर्क लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के साथ जो है हम लोग आपके साथ और ऐसी मिठाइयों की रेसिपी शेयर करते रहें और आप लोग अच्छा हमारी जो हौसला अफजाई करते रहें कमेंट्स करके। या आप देख सकते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम चांदी का वर्क लगा देंगे इस पर। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या देख सकते हैं ये जो है हमारी घेवर मिठाई तैयार हो चुकी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी और हम लोग आपकी एक रेसिपी कौन सी है। क्या देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।